अंडर 20,000 फुल स्टॉप गेमिंग पीसी बिल्ड। यस यार, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो इस पीसी में आप GTA 5 जैसा गेम 720 में हाई सेटिंग में चला सकते हो या फिर 1080p मीडियम सेटिंग तक चला सकते हो। एंड करने का तो आप यार 1080p की बेसिक एडिटिंग भी कर सकते हो, या फिर अगर आप यार पीसी गेमिंग या तो फिर पीसी एडिटिंग की आपका शुरुआत है तो आपके लिए बेस्ट बजट पीसी बिल्ड हो सकता है। तो इस बिल्ड में आपको जो सीपीयू सजेस्ट करूंगा दैट इज AMD Ryzen 3 3200G। एंड ये सीपीयू हो सके यार आपको ऑफलाइन में सस्ता मिल सकता है, लेकिन फ्लिपकार्ट में सिर्फ आपको 5200 के अंदर मिल जाएगा। एंड यहाँ पे Amazon का हिसाब किताब अलग है। तो इस CPU में आपको मिल जाएगा यार 4 कोर के साथ 4 थ्रेड, साथ में इसका जो मैक्सिमम बूस्ट फ्रीक्वेंसी अप टू 4.0 गीगाहर्ट्ज़ तक मैक्सिमम जाता है। साथ में इस CPU में आपको मिल जाएगा AMD Radeon Vega 8 इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स, जो कि ये मोस्ट पावरफुल RGB में से एक है। इस बजट के अंदर आपको 1080p बेसिक एडिटिंग के साथ 1080p मीडियम सेटिंग में आपको गेम खिलवा देगा, ठीक है ये CPU। एंड नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज मदरबोर्ड। तो देखो, इस CPU को चलाने के लिए जो A320 मदरबोर्ड है वो ही इनफ रहेगा, लेकिन इस बिल्ड के लिए आपको मैं जो मदरबोर्ड सजेस्ट करूंगा B450 चिपसेट के ऊपर एक बेस्ट मदरबोर्ड है, दैट इज ASRock B450MHDVR4.0। ये मदरबोर्ड ही आपको सिर्फ 4200 के अंदर मिल जाएगा फ्लिपकार्ट में। तो ये जो मदरबोर्ड है आराम से CPU को हैंडल कर लेगा। एंड इस मदरबोर्ड के अंदर आपको 2 RAM स्लॉट मिल जाएगा, जो कि मैक्सिमम मेमोरी सपोर्ट करता है 64GB तक। एंड साथ में यहाँ पे DDR4 मेमोरी टाइप के साथ यार 3200 MHz तक मैक्सिमम मेमोरी फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट करता है। एंड साथ में इस मदरबोर्ड पे आपको मिल जाएगा एक M.2 NVMe SSD के लिए स्लॉट, जो कि PCIe Gen 3 के ऊपर बेस है। एंड इस मदरबोर्ड के जो ग्राफिक्स आउटपुट के लिए 3 पोर्ट मिल जाएगा, एक HDMI पोर्ट, एक VGA पोर्ट और एक DVI-D पोर्ट, जो कि बेस्ट है मेरे हिसाब से। ये मदरबोर्ड आराम से, ये CPU जो Ryzen 3 3200G आराम से कैपेबल है इस CPU को हैंडल करने के लिए, ठीक है। तो यार नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज RAM। तो देखो, इस बिल्ड के लिए आपको 8GB का सिंगल स्टिक RAM को सजेस्ट कर रहा हूं बिलहाल के, तो बाद में इन फीचर अपग्रेड कर लेना, ठीक है। तो दैट इज एंटी स्पोर्ट 600 NEO EP 8GB का सिंगल स्टिक RAM है। इसका जो प्राइस है दैट इज 1600 के अंदर मिल जाएगी RAM स्टिक। एंड ये नॉर्मल सा रैम स्टिक, इसके अंदर आपको कोई भी हीट सिंक या तो फिर RGB लाइट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। एंड इस रैम स्टिक के अंदर आपको DDR4 मेमोरी टाइप के साथ 3200 MHz का मेमोरी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। तो बिलहाल के लिए तो आपको 8GB से आपका आराम से काम हो जाएगा, बाद में और एक 8GB लगा लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट कंपोनेंट यार दैट इज स्टोरेज ड्राइव। तो देखो, इस बिल्ड के लिए आपको एक 256GB NVMe SSD को सजेस्ट कर रहा हूं। तो इन फीचर अगर आपका स्टोरेज का नीड है तो आप अपग्रेड कर लेना, ऑब्वियसली हार्ड डिस्क ड्राइव वगैरह लगा सकते हो। दैट इज एंटी स्पोर्ट 600 नियो प्रो एक 256GB का NVMe SSD है। इनका जो प्राइस है दैट इज यार 2200 के अंदर, जो कि बेस्ट SSD है। हालांकि 256GB NVMe SSD बहुत ज्यादा होता नहीं है, ऑब्वियसली आप एक दो गेम ही इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे ये जो SSD PCI Express Gen 3 प्लेटफॉर्म पर काम करता है। साथ में अगर मैं इनका परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो इसका जो रेट स्पीड है अप टू 3100 MBPS के साथ जो राइट स्पीड अप टू मिल जाएगा 1800 MBPS, जो कि बेस्ट है। तो देखो यार, इस PC के लिए आपको सिर्फ यार 450W का एक नॉर्मल सा बेसिक पावर सप्लाई को सजेस्ट कर रहा हूं, जो कि आई थिंक यार 450W से सारे कंपोनेंट आराम से पावर अप कर लेगा। तो ये पावर सप्लाई दैट इज जेबरोनिक J450 ब्लैक गोल्ड। एंड ये 450W का नॉर्मल सा पावर सप्लाई है, जो कि ये सिर्फ यार 800 के अंदर ये पावर सप्लाई मिल जाएगा, जो कि 450W यार आराम से ये सारे कंपोनेंट को पावर अप कर लेगा। एंड ये बेसिक सा पावर सप्लाई है। तो देखो यार, इस PC के लिए आपको कोई भी एक्सपेंसिव कैबिनेट को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप यार जो 1000 के अंदर कैबिनेट आता है नॉर्मल सा, वो भी लगा सकते हो। एंड तो देखो, इस बिल्ड के लिए आपको एक 1800 के अंदर कैबिनेट को सजेस्ट कर रहा हूं, जो कि ऑब्वियसली यार गेमिंग एडिटिंग पीसी बिल्ड कर रहे हो तो थोड़ा बहुत तो RGB लाइट तो होना चाहिए। एंड ये कैबिनेट है दैट इज जेबरोनिक जेब जियो मीटर कैबिनेट है। इसका जो प्राइस है दैट इज 1800 के अंदर मिल जाएगा। तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा फ्रंट पैनल में एक सिंगल RGB स्ट्रिप, जो कि आप कलर चेंज कर सकते हो। साथ में इसके अंदर आपको एक रियर पैनल में 80mm का RGB फैन प्रिंस्टॉल मिल जाएगा, ठीक है। तो कैबिनेट के अंदर ऐसा कुछ बहुत सारे फीचर्स नहीं मिलेगा, एक बेसिक सा कैबिनेट है। एंड यार जो नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज मॉनिटर। तो देखो, इस PC में जो आपको मॉनिटर सजेस्ट कर रहा हूं, एकदम बेस्ट मॉनिटर है। एंड ये मॉनिटर यार गेमिंग एडिटिंग दोनों काम के लिए बेस्ट है, दैट इज MSI Pro MP223। एंड इसका जो प्राइस है दैट इज आपको मिल जाएगा सिर्फ 5700 के अंदर। एंड इसके जो स्क्रीन साइज वो है 22 इंच है, ये फुल HD रेजोल्यूशन के साथ होता है ये मॉनिटर। साथ में ये VA पैनल है, तो मतलब VA पैनल यार दोनों काम के लिए बेस्ट होता है, वो चाहे आपका गेमिंग वो चाहे आपका एडिटिंग। तो इसके साथ आपको मिल जाएगा यहाँ पे इस मॉनिटर में 100Hz का हाई रिफ्रेश रेट के साथ 1ms रेस्पॉन्स टाइम, जो कि हाई रिफ्रेश रेट एंड लो रेस्पॉन्स टाइम गेमिंग के लिए बेस्ट होता है। साथ में यहाँ पे आपको मिल जाएगा 99% sRGB कलर गेमेट, जो कि एडिटिंग के लिए बेस्ट होता है, जैसे कि फोटोशॉप या तो फिर आप ग्राफिक डिजाइन करना चाहते हो। इस बजट के अंदर बेस्ट मॉनिटर है। तो देखो यार, इस PC के अंदर आपको बहुत हाई एंड परफॉर्मेंस आउटपुट नहीं दे पाएगा, लेकिन 1080p को ठीक ठाक एडिटिंग कर सकते हो। साथ में 1080p मीडियम सेटिंग तक या तो फिर 720p हाई सेटिंग तक GTA 5 जैसा गेम आराम से चला सकते हो। एंड जैसे कि एमुलेटर के ऊपर अगर आप चलाना चाहते हो तो फ्री फायर 5G इस तरह का गेम भी आराम से चल जाएगा। एंड वैसे तो ये सारे कंपोनेंट का जो बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा,
ये तो हम बहुत सदियों से करते आ रहे हैं, ये तो हमारे चैनल के ऊपर परंपरा जारी है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं किसी और दिन, बाय।